जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं, यानी उनके संबंध हम देखेंगे। अब पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक एक ऐसा अपवर्तनांक होता है जो पहले माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा होता है तो आपका जो साइन आई बाई साइन आर, यानी जो आपका प्रकाश का अपवर्तन का जो आपका अनुपात होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इस तरीके से हो जाता है। और निरपेक्ष का मतलब है, आपका जो आपका वैक्यूम होता है, आपका निर्वात होता है, उसके संबंध में कि भाई अगर पहला माध्यम आपका निर्वात हो और दूसरा माध्यम कोई दूसरा कांच हो तो आपका कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, आपका कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक उसके सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब निर्वात के, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष हो जाएगा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। इस तरीके से होता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं कि भाई यदि पहला माध्यम हम मान लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए एकदम सिंपल सी भाषा में कि भाई सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। यदि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक n हो, ठीक है, n1, तथा माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 हो, यानी हम मान लिए हैं, तो आप क्या करेंगे भाई। देखिए कोई माध्यम है, पहला माध्यम मान लीजिए आ रहा है, यहाँ पर है पहला माध्यम, ऊपर कल्पना कीजिए और नीचे आपका जल भरा हुआ है, दूसरा माध्यम हो गया, कांच ले लीजिए या आप निर्वात ले सकते हैं। तो निर्वात से अगर आपका प्रकाश आएगा तभी आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर बोला गया है यदि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 हो तो आपका माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई माध्यम एक के सापेक्ष, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं n1 2, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1n2। अब 1n2 का मतलब क्या है भाई, दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, आपका माध्यम एक के सापेक्ष। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ठीक है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, देखिए माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 हो जाता है। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है, यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए माध्यम एक, ठीक है, एक के, एक ये या एक है के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। भाई दो का ही तो निकालेंगे, क्योंकि प्रकाश पहले में तो कुछ होगा ही नहीं, विचलित ही नहीं होगा। जब आपका प्रकाश पहले माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में विचलित हो जाता है इस तरीके से, उसी के तो हम अपवर्तनांक निकालेंगे, यानी कितना मूल रहा है ना। तो आपका माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई इस तरीके से, इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि 1n2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माध्यम दो का अपवर्तनांक पहले ले लेंगे, ठीक है, माध्यम जितना होगा माध्यम दो का अपवर्तनांक अपान माध्यम एक का अपवर्तनांक, एक का देखिए थोड़ा अपवर्तनांक इधर लगेगा, अपवर्तनांक, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जल्दी जल्दी में थोड़ा लिख रहा हूँ। देखिए अगर कुछ गलतियाँ लिखने में हो जाते हैं तो वो गलतियाँ नहीं मानी जाती, क्योंकि आप सुधार सकते हैं, इतना आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे, अब मान लेते हैं एक उदाहरण लेकर आपसे समझाते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए यदि जल का अपवर्तनांक, देखिए एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझिए, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप सोचेंगे कि पहला माध्यम और दूसरा माध्यम यहाँ पर बताया ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, अब देखिए यहाँ देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो आप जानते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है, अभी हमने यहाँ पर देखा 1n2, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो कांच आपका दूसरा माध्यम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी WNG, यानी आपका वाटर हो गया और कांच हो गया, यानी W के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यानी G का अपवर्तनांक, यानी वाटर के सापेक्ष आपका कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर, अब सिंपल से साइन आई बाई साइन आर से आप निकाल लेंगे, साइन आई अपान साइन आर, अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब देखिए आइए देखते हैं कि भाई जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, थोड़ा सा हल लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, अब आप बताइए। आप ही सोचिए अपने दिमाग से कि भाई आपका कांच जो है वो सेकंड माध्यम हो जाएगा, कांच क्या हो जाएगा, दूसरा माध्यम हो जाएगा, और जो आपका जल है वो पहला माध्यम हो, क्योंकि हमें कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखा भी गया, देखिए यहाँ पर 1n2 का मतलब क्या, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होगा, माध्यम दो का अपवर्तनांक बटे माध्यम एक का अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, तो आपका 2n1 हो जाएगा, फिर आपका ये पलट जाएगा, यहाँ पर भी हो गया, सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, WnG, ठीक है, W, ठीक है, n बड़ा सा लिखते हैं, जी देखिए छोटा सा ऐसे WnG इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप चाहें, ठीक है, या आप चाहें तो यान WG भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई W के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या यहाँ पर भी देख सकते हैं वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जो दाएं साइड होगा आप ये समझिए माध्यम दो होगा, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर WnG, ठीक है, इक्वल टू आपका कितना होगा, NG मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक है ना, माध्यम दो का अपवर्तनांक, N से हम अपवर्तनांक को दर्शाते हैं, तो NG हो जाएगा माध्यम दो का अपवर्तनांक, ठीक है, और यहाँ पर माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक कौन सा हुआ, जल, तो आपका NW हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप समझ गए, मतलब ये वाला जो दाएं साइड है उसको ऊपर कर दीजिए, जो बाएं साइड है उसको आपका नीचे कर देना है, बस भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1.5, ठीक है, अपान 1.33, देखिए यहाँ पर दिया गया, ये मैं सोच लेना कहाँ से लिख दिए हैं, ये कांच का अपवर्तनांक है, ये जल का अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो आपका ये लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आपका ये आ जाएगा, 1 से आपका भाग देना है 1 में, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है, तो इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.13 लगभग, ठीक है, लगभग में आएगा ये, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं कर रहा, आप निकाल लेना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या किसी भी माध्यम का पूछे, बस आपको ये याद रखना है कि माध्यम पहला कौन सा है, माध्यम दूसरा कौन सा। अगर नहीं दिया है माध्यम पहला और माध्यम दूसरा, तो सिंपल सी बात है, जिसका अपवर्तनांक निकालना है वो आपका माध्यम टू होगा, यानी जिसमें आपकी प्रकाश की किरणें विचलित हो रही हैं, जिसमें प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जिसमें आपकी प्रकाश की किरणें मुड़ रही हैं, या अभिलंब से दूर भाग रही हैं, या अभिलंब की ओर झुक रही हैं। अब अभिलंब से दूर क्यों भागेंगी भाई, अभिलंब से दूर तब भागेंगी जब आपका प्रकाश क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। अभिलंब की ओर कब झुकेगी, जब आपका प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे, अगर आप अपने दिमाग में अगर बैठा लेंगे क्वेश्चन को, तो आप कभी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे। लेकिन अगर आप रट्टू तोता बन गए, तो आप समझ लीजिए एग्जाम देने के बाद आपकी कोई काम की पढ़ाई नहीं रह जाएगी। तो यार ज़्यादा कोशिश कीजिए कि रटिए नहीं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हम आपको समझाते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि लगभग कोई नहीं समझाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं ये बताइए, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर और भी चलिए थोड़ा सा हल करके आपको बता देते हैं कि क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए NG है अपान NW, ठीक है, ये आपका हो गया NG अपान NW, लाइट चली गई, तो बस यार खास बात नहीं थी, ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही सॉल्व कर लेंगे। एक बात बस याद रखना कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का जो अपवर्तनांक होगा, अगर उसका गुणा कर दे माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक के, तो वो आपका इक्वल टू 1 आएगा। यानी आपका इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रकाश की किरण को माध्यम एक से माध्यम दो में भेज रहे हैं और माध्यम दो का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, अगर उसका मल्टीप्लाई कर दे माध्यम दो के अब सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर एक से, तो मतलब तो आपका इक्वल 1 आएगा माध्यम एक के सापेक्ष, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर यार उजाला नहीं है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, आई होप आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर यहाँ पर हम करें, मान लीजिए कोई माध्यम ले लिए इस तरीके से, माध्यम ये दो है मान लीजिए, ठीक है, माध्यम दो है, ये माध्यम एक वायु है, यहाँ से अगर हम प्रकाश भेज रहे हैं और ये मान लीजिए विरल माध्यम है, ठीक है, थोड़ा सघन है, तो आपका अभिलंब की ओर किरणें झुक जाएंगी इस तरीके से, और ये आपका अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, देखिए बन नहीं रहा है, एक अभिलंब हो जाएगा इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर किरण गई और हल्का झुक जाएगी इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं हल्का, आप सपोज कीजिए। अब क्या होगा, अगर हम इधर से किरण को भेजेंगे इस तरीके से, तो वो आपकी वही दिशा में जाएगी कि नहीं जाएगी, वहीं से भेजेंगे तो वहीं पे जाएगी, तो बस इसीलिए आपका मान है आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना, क्योंकि यान क्या यहाँ पर NG अपान NW यानी आपका, और अगर हम कर देंगे NW अपान NG दोनों कट जाएंगे भाई, क्या हो जाएगा NG अपान NW, तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें NW अपान NG के, तो दोनों दोनों मर जाएंगे और इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, यानी आपका इक्वल 1 आ जाएगा। यानी अगर हम ले लें कि भाई माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष अगर हम यहाँ पर ले लेते, ये WG वाले से थोड़ा करते हैं, यहाँ पर अगर हम ले लें, ठीक है, मान लीजिए NG ले लें अपान NW ले लें, ठीक है, यहाँ पर मतलब पानी ले लें और जल ले लें,
मल्टीप्लाई दोनों कर दे एन डब्ल्यू के बाई एन जी के, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका इक्वल वन आएगा। मतलब कि आप लिख लीजिए कि भाई माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक और उसका गुणा, ठीक है, मतलब गुणनफल माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का गुणनफल, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो के अपवर्तनांक का गुणनफल माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक के अपवर्तनांक के गुणनफल के इक्वल होगा, यानी बराबर होगा, इक्वल टू वन आएगा। सिंपल सी बात है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यार क्रांतिक कोण क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।